का हमारा सावजी स्पेशल नॉनवेज वीडियो देख के आपके मुंह को पानी आ जाएगा। अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो वीडियो आखिर तक देखिए। फाइटर वाला कच्ची का मुर्गा, क्या बात है, क्या ही भेज मटन है, काफी क्वान्टिटी में चिकन, कौन सा चिकन रहता है, खाना नहीं है। अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए कुछ बेस्ट सावजी रेस्टोरेंट सर्च कर रहे होंगे तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आप बिना स्किप किए आखिर तक देखिए। यहाँ का मटन, चिकन और अन्य नॉनवेज काफी फेमस है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर लोगों की काफी भीड़भाड़ भी होती है। अगर आप नागपुर में फैमिली वाले रेस्टोरेंट सर्च कर रहे होंगे तो ये सावजी रेस्टोरेंट आपके लिए जन्नत प्लेस है। दोस्तों वीडियो आखिर तक देखिए, हमने लोकेशन बताया है। हमारे स्पाइसी नागपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल बटन दबाइए। दोस्तों अभी हम आपको नागपुर के सबसे फेमस सावजी रेस्टोरेंट में से एक सुजल सावजी रेस्टोरेंट में आपको लेके आए। फ्रेंड्स यहाँ की खास बात है कि यहाँ का जो स्पाइसी नॉनवेज है वो काफ़ी फेमस है। आप यहाँ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, साथ ही आप अपने बर्थडे और अन्य इवेंट्स भी यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आखिर तक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। क्या बात है, क्या प्राइस है इसका, अपने ₹400 प्लेट, क्या बात है, क्या ही मटन है, कितना किलो ये संडे के दिन ज्यादा लगता है, ये कितना संडे को कितना बनता भाई, और संडे को कौन सा चिकन रहता, गावरानी है, हैदराबादी वाला गावरानी, ये कितना केजी होगा, ये है 17 किलो मटन, हाफ क्वान्टिटी करेंगे, क्या प्राइस है आपका, अच्छा तुम्हारे पास बने हुए रहते, ग्रेवी अलग का, ग्रेवी का मटन, ग्रेवी कर जाए, मटन है, खाली है, ग्रेवी से जो खाली करके रखते हैं। आप आ जाएगा भैया, टाइमिंग क्या रहता है अपने दिन चालू होने का, ये सुबह 12 बजे एक पूरा है क्या, कितने बकरों का है, ये है 6 बकरे का, 6 बकरे, संडे को कितना लग जाता है, संडे तो 7-8 बकरे का, 7-8 बकरे का लग जाता है। इधर ही बाहर भी आता है, बाहर भी काटे जाते हैं, कहाँ कहाँ जाता है बाहर, हर जगह बॉम्बे पुणे, नहीं फेमस है अपना, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने हमको बताया है कि बहुत पुराना है, 16-17 साल मुझे ही हो गया, क्या बात है, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे, 16-17 सब पुराने वाले ही है, ऑर्डर आया तो फिर इस तरह से लेते हैं ना, ये भी मटन ही है क्या, नीचे रेडी हो गया ना मटन, पार्सल भी अपने चलते रहते हैं ना, ये चिकन है, आपने कितने पीस रखे, 3 पीस, इसका क्या है आपका कोई प्राइस, क्या है 270। यहाँ पर सावजी स्टाइल स्पाइसी और टेस्टी चीजें गर्मा गर्म बनती रहती है। दोस्तों अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो भी असली सावजी का टेस्ट कैसे होता है ये आप समझ पाएंगे। फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आखिर तक देखिए, आपको मजा आने वाला है। ये सारी चीज़ें बनते देखकर आपके मुंह को पानी आ जाएगा, हमारे भी मुंह को पानी आ गया है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया बना है, इसमें भी 3 पीस आएगा आपका, काफी पांच पीस सावजी मटन रेडी है, हाफ प्लेट, ब्लॉगर होने का फायदा भी मिल रहा है हमें, थोड़े मिल रहे हैं।
चलिए दोस्तों, अगर आप भी आओगे तो आपको भी सही पीसेस मिलेंगे यार, बिल्कुल ही अच्छे से पीसेस मिलते हैं आपको, जो चाहिए आपको वो मिलता है। कस्टमर को पर जो पीस बोलते वैसा, कस्टमर जो बोलेगा आपको वैसा पीसेस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल हो तो आपको स्पेशल मिलेगा। इनका मटन बनकर रेडी है दोस्तों, ये सारी चीज़ें बनते देखकर हमको खाने की इच्छा हो रही है। तो चलो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ का जो स्पेशल मटन है और यहाँ का जो कत्ती का मुर्गा है उसकी प्लेट आपको टेस्ट करके बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो आखिर तक देखिए, हम आपको रिव्यू कैसा टेस्ट है ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। देखिए अपना गावरानी चिकन बिरयानी है ना, ये वेज फ्राइड है, वेज बिरयानी, ओके, ये है मटन बिरयानी, एक बिरयानी। तो फ्रेंड हमारी ये दोनों यहाँ की जो यूएसपी डिशेज है, वो जो देसी चिकन है वो हमको टेस्ट करके बताते हैं। देख सकते हैं अच्छे से पका हुआ है, ग्रेवी में टेस्ट करते हैं, काफी शानदार। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि सारी चीज़ें आपको गर्मा गर्म बनते हुए दिखी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो मटन चिकन है वो बनते रहता है। फिर हम दूसरी चीज़ें, हमारी यहाँ का जो सब्जी मटन है दोस्तों, ये सब्जी मटन यहाँ का काफ़ी फेमस में से एक है। चलो हम आपको जो मटन टेस्ट करते हैं, मटन की मल्ली आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, मज़ा आ गया दोस्तों। मटन का टेस्ट सच में काफ़ी लाजवाब है, मैंने बहुत जगह मटन टेस्ट किया है पर इतना लजीज और इतना शानदार मटन शायद ही खाया होगा। बहुत अच्छा मटन है, हम बहुत जगह सावजी रिव्यू करते हैं, उनमें से बेस्ट है। दोस्तों इनकी ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं ग्रेवी भी काफ़ी थीक है जो टिपिकली सावजी में होती है। दोस्तों बार्फी के टेस्ट के बारे में मुझे तो काफ़ी टेस्ट अच्छा लगा, मैं इसे 100 out of 100 दूंगा। अगर आपको भी टेस्ट करना है तो इसका लोकेशन और सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसका गूगल में आपका लोकेशन भी दे देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे तो वीडियो को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह के कुछ नए स्ट्रीट फूड रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये कितने सालों से अपना यहाँ पे चला रहे हैं आप, सर्व कर रहे हैं साउजी फूड? मतलब ये पूरा जंगल था, 2004 में मैंने खोला था। अच्छा है ना, सबसे पहले शायद आप ही ने खोला था। टाइमिंग अपनी 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है अपने से। 12 बजे से मेरा ऑनलाइन पश्चिमनाथा में सबसे नंबर वन पे हूँ मैं। अच्छा, सबसे ज्यादा ऑर्डर मैं सर्व करता हूँ। ओके, तो जोमेटो स्विगी दोनों मेरे पास है। अच्छा, ऊपर 12 से लेकर रात को 1:30 बजे तक हम ऑनलाइन कर सकते हैं। डाइनिंग जो है 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक का टाइमिंग है। ओके, सबसे बेस्ट सेलिंग क्या अपने यहाँ पे, कौन सा आइटम ज्यादा बिकता है? हमारा तो एवरीवन सब मतलब जो है बेस्ट सेलर में है। क्वालिटी में मैंने कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया, टेस्ट किया हमने, बहुत सही है। मटन जो है प्योर बकरी का मिलेगा मेरे यहाँ, ना बकरी मिलेगी ना मट मिलेगा। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज है की हाइजीनिक, हाँ बिल्कुल हाइजीनिक किया है, क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं। बंदे भी है वो भी 10-10 साल से काम करते हैं, बार के स्टाफ है और जिनको मैंने सिखाया, मैं खुद शेफ हूँ। अच्छा, इंडियन चाइनीज स्टार्टिंग में, यानी फिर आप ही सब बनाते होंगे? रेसिपी जो है वो मेरे खुद की है, आपकी बनाई हुई है? अच्छा, ओरिजिनल साउजी से थोड़ा हटके है। अच्छा, एंड हाँ लोगों को एकदम जवान के तीखापन नहीं होगा। हमारे यहाँ एक गलगुटी टाइप भी मिलेगा कि आप बिल्कुल। ओके, थैंक यू।